हेलो एवरीवन, मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल जी के हेल्पिंग हैंड्स में। मैं आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि जेके एसएसबी ने एक नोटिफिकेशन निकाली क्लास फोर्थ एस्पिरेंट्स के लिए कि उनको प्रेफरेंस देने होंगे, तो उसी के लिए हमने वीडियो बनाया है कि आप किस तरह अपने प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो हम बताएँगे आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप का ब्राउज़र ओपन करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। फिर आपको यहाँ पर सर्च बार में जाना होगा और यहाँ पर लिखना होगा JKSSB। फिर आपको यहाँ पर सर्च पे एंटर करना होगा, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जो यहाँ पर दिख रहा है आपको JKSSB, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो JKSSB पे क्लिक करने के बाद हम JKSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर रिडायरेक्ट हो गए। तो यहाँ पर आपको नीचे जाना होगा, स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लिंक टू सबमिट प्रेफरेंसेस अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद आप अपने डिटेल्स एंटर करने होंगे, तो आप फिर प्रेफरेंस दे सकते हो। तो हम आपको बताएंगे किस तरह, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस है हमारे सामने, लॉग इन टू योर अकाउंट। आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लगाना होगा और यहाँ पर पासवर्ड लगाना होगा। ये वही ईमेल आईडी और पासवर्ड जब आपने फॉर्म सबमिट किया था, जब आपने फॉर्म फिल किया था स्टार्टिंग में, वही आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। तो फिर आपको इस पर टिक करना होगा, फिर यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक करना होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या हाल है कि उनको पता नहीं कि हमने कौन सा ईमेल आईडी लगाया था और हमने कौन सा पासवर्ड रखा था। तो उसके लिए एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर उनको याद नहीं ईमेल आईडी या पासवर्ड, तो उनको यहाँ पर क्लिक करना होगा। वो इसको रिकवर भी कर सकते हैं कि अगर उनके पास एडमिट कार्ड भी नहीं है, मतलब एप्लीकेशन नंबर भी नहीं है, तो यहाँ पर वो रिकवर कर सकते हैं क्या, किसके थ्रू, अपने ईमेल के थ्रू। तो अगर उसके पास अभी एडमिट कार्ड है या उसके पास एप्लीकेशन नंबर है, तो वो एप्लीकेशन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हम बताएंगे कि किस तरह वो अपने एप्लीकेशन नंबर और DOB से लॉगिन कर सकते हैं। उनको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह का इंटरफेस आ रहा हमारे सामने। यहाँ पर क्लास फोर का एप्लीकेशन नंबर लगाना है और यहाँ पर स्टूडेंट की DOB, तो हम लगाएंगे यहाँ पर इसकी स्टूडेंट की DO एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर DOB, और फिर हम इस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो हम डिटेल्स एंटर कर लेते हैं। हमने अपना एप्लीकेशन नंबर भी लगाया है और DOB भी इंटर की, तो हम अब इस पर टिक करेंगे I am not a robot। अब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो जब हमने इस पर क्लिक किया, लॉगिन किया, तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ रहा। तो यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड और यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन, जितने हमें एप्लीकेशन सबमिट की वो दिखेंगे, और यहाँ पर हमारी क्या प्रोफाइल, और यहाँ पर हम लॉग आउट कर सकते हैं। तो इसके जो हमने जो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020 है, जो एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास फोर्थ, तो यहाँ पर हमको अपने प्रेफरेंस सबमिट करने होंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने इस तरह के प्रेफरेंस आ रहे हैं, यहाँ पर टोटल 23 प्रेफरेंस है वहाँ से लेकर। तो हमको इनको चूज़ करना होगा अपने हिसाब से, फिर हमको इस पर क्लिक करना होगा। जब तक हम इस पर क्लिक करेंगे, तब तक हमारे प्रेफरेंस सबमिट नहीं हुए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पर है इतने सारे प्रेफरेंस दिखेंगे आपको, इनमें से आपको एक एक करके सबकी प्रेफरेंस देने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डिविजनल कैडर कश्मीर करो, मतलब आपको कश्मीर डिवीज़न में किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी जगह का पोस्टिंग मिल सकती है। अगर आप जम्मू करोगे, तो आप जम्मू डिवीज़न के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर आप डोडा करोगे, तो आपको सिर्फ डोडा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होगी। अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट कैडर जम्मू, तो सिर्फ जम्मू में होगी। अगर आप यहाँ पर बारामूला में करोगे, तो बारामूला में कहीं पर भी क्या पोस्टिंग हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर था यूटी कैडर, मतलब आपको जम्मू एंड कश्मीर में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। आपको अपने हिसाब से ये प्रेफरेंस देने होंगे। तो हम अपने देंगे, तो पहले प्रेफरेंस हम अपने डिस्ट्रिक्ट की देंगे, तो हर डिस्ट्रिक्ट बारामूला। तो इसी तरह हम दूसरा भी देंगे, जो हमारा नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो देंगे हम। इस तरह हम तीसरा भी देंगे। आपको भी इसी तरह पूरे प्रेफरेंस देने होंगे। तो हमने पूरे प्रेफरेंस दिए यहाँ पर 1 से लेकर 23 अपने हिसाब से। तो अगर आपको कोई चेंज करने होंगे, तो आपको इस पर अनसेट ऑल प्रेफरेंसेस सब डिलीट हो जाएंगे, फिर इनसे नए से आप दे सकते हैं प्रेफरेंसेस। तो इस तरह आप क्या चेंज कर सकते हैं इन प्रेफरेंसेस को। जब आपने पूरे प्रेफरेंसेस दिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा नीचे क्या, सबमिट माई प्रेफरेंसेस। अगर आपने इस पर क्लिक नहीं है, उसका मतलब है कि आपने प्रेफरेंस नहीं दिए, तब हम इस पर क्लिक करेंगे। तो सबमिट प्रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ रहा हमारे सामने। तो अभी यहाँ पर हम अपना
रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमने प्रेफरेंस सबमिट किए वो देख सकते, उसका मतलब प्रूफ हम अपने पास रख सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तो जब हमने डाउनलोड पे क्लिक किया, जो हमने प्रेफरेंस दिए वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह हमने अपने प्रेफरेंस दिए थे वो यहाँ पर हमको दिखेंगे। तो ये हमारे पास प्रूफ रहेगा, तो ये कभी काम आ सकता है। तो इस तरह आपने प्रेफरेंसेस देने होंगे, आपको अपना लॉगिन करना होगा, फिर आप अपने प्रेफरेंसेस देने होंगे अपने हिसाब से, फिर वहाँ पर लास्ट में आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको डाउनलोड करना होगा रिसेप्ट। तो इस तरह आपके क्या प्रेफरेंस होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो कि आप किस तरह अपने प्रेफरेंसेस देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।